हेलो एवरीवन, आप सब लोगों की डिमांड पर ये वीडियो मैं बनाने लगा क्योंकि आप लोगों ने बोला था सर डाइट को लीन गेनिंग जो आप कर रही हो अभी उसको लेकर डाइट जो आप करते हैं उसकी वीडियो बनाएं। और मैं मोहसिन भाई के पास जा रहा हूँ, वो जिम में है, उनको जिम से उठाऊंगा और उनको अपने साथ ग्रॉसरी पर लेकर जाऊँगा। जो जो ग्रॉसरी बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होती है वो ग्रॉसरी जो मैं आपको बताऊँगा और उसके अल्टरनेट जो होते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते या कोई मसला है वो भी उसके साथ में मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो इसमें आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। तो कीप श्योर, मेक श्योर करना है आपने इस चीज़ को, इस वीडियो को एंड तक देखना। चले मोहसिन भाई को जाकर जिम में मिलते हैं। ओके चलेंगे आज। ये जी मोहसिन भाई को जाकर देखते हैं कहाँ वो छुप के बैठे हुए हैं और उनको हम निकालते हैं और लेके चलते हैं अपने साथ। ओ वाओ, ये हमारे वकास साहब हैं जी। ना दस अपना वे, सबको पता होगा। और ये हमारी नई मैडम है, यहाँ पर ट्रेनर आई है और वो मुझे लगता है मोहसिन भाई वहाँ छुपे हुए हैं। और ये हमारे जाहिद साहब हैं जो वर्कआउट करते हुए कभी नहीं थकते हैं। मोहसिन भाई उठो जल्दी यार, लड़कों ने बोला डाइट प्लान की वीडियो यहाँ बनाते हैं, डाइट प्लान करनी है, ग्रोसरी करनी है, दिखाना है, बताना है क्या क्या हमने लेना है। थोड़ा टाइम निकाल लें यार, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा देखें। ये भी तो है ना हमारे भाई जो हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, करिए थोड़ा सा 10-15 मिनट यहाँ चलते हैं। यूनियन को साथ ही है, सिटी सेंटर मर्दी भी है, यूनियन ये यूनियन चलते हैं, ग्रॉसरी दिखानी है ना बस। ओके चलें जी गाइस, मोहसिन भाई मान गए हैं, लव यू हो गया, जस्ट वेट एंड वॉच, अभी ग्रॉसरी करते हैं जाके। चलो जी हम पहुंच गए हैं मोहसिन भाई को साथ लेकर यूनियन कोप में ग्रॉसरी करने के लिए। और मेरे ख्याल में सीढ़ियां उधर हैं, लिफ्ट वगैरह वो थकने वाली नहीं। और ट्रॉली कहां से मिलेगी? ट्रॉली ऊपर ही मिलेगी। यहाँ पर फ्री का झूला मिल जाता है, ऐसे खड़े हो जाओ फ्री का झूला मिल रहा है। तो बस थोड़ी देर और वेट करना है आपने। अच्छा अभी हम जो है ना, क्या है भाई, वो चलते हैं चिकन वाले कॉर्नर में जहाँ से हम जो मेन प्रोडक्ट है पूरे, हमें जो चाहिए थे चिकन ब्रेस्ट चाहिए ना, चिकन ब्रेस्ट लेके लिए हम पहले चलते हैं। ठीक है गाइज, अभी हम चिकन वाले कॉर्नर में पहुँच चुके हैं जो कि मेन जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फूड का जो इंग्रेडिएंट है वो चिकन है। ये नहीं खाना है, जो मसाले वगैरह लगे होते हैं वो आपने बिल्कुल नहीं खाना, रॉ फॉर्म में लेना है। और सबसे बेस्ट पार्ट रहता है चिकन का चेस्ट ब्रेस्ट। ये चिकन ब्रेस्ट इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि इसमें हड्डी नहीं होती और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होती है और फैट कम होती है वो चिकन के ब्रेस्ट पीस में ही होती है, इसलिए हम यही प्रेफर करेंगे कि हम यही लें। ये पीसीज हुए हैं, आप ये ले लो ताकि इसको एयर फ्राइड करके पूरा एक पीस बना लो। ठीक है, आपको इस तरह ही लेना है, आपको पूरे वीक में देखना है कि आपको कितना चिकन चाहिए। लाइक मे बी 3 kg चिकन ब्रेस्ट चाहिए, 4 kg चिकन ब्रेस्ट चाहिए, अकॉर्डिंग टू इस बॉडी वेट वो देख ले कि उसको कितना चाहिए, उतना वो एक ही दफ़ा लेके रख ले ताकि जब कभी उसके मील्स यानी कि चिकन खत्म हो गया तो फिर उसको कोई चीट मील या कोई बाहर से लेके ना खाना पड़े। ठीक है, अगर आपसे दूर है तो आप 2-3 दिन का 4 दिन का इकट्ठा ले जाओ, मेरे तो बहुत पास ही है इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ फ्रेश ही लेके जाऊँ। ये देखें आज इधर ऑफर भी लगी हुई है इसलिए आज हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4 पैकेट हो गए। ठीक है ठीक है, अभी जो नेक्स्ट बीफ की तरफ चलते हैं। तो अभी हम बीफ वाले कॉर्नर पे चलते हैं क्योंकि चिकन खाकर के कभी कभी क्या होता है बंदा तंग आ जाता है, तो टेस्ट चेंज करने के लिए हम बीफ का स्टेक लेंगे जिसके अंदर फैट बहुत कम हो। गाइज अभी देखें, अभी हम आ गए हैं बीफ वाले कॉर्नर में, ये दिखाना बीफ। आई विल प्रेफर फैटलेस जो भी स्टेक हो, जैसे कि ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, देखें इसको आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, फिर वाइट राइस के साथ खा सकते हैं। कितने पीस चाहिए? 2 पीस काफ़ी हैं फिलहाल, 2 काफ़ी हैं। इसमें देखें फैट है गाइस, आपने पाकिस्तान में ऐसे नहीं मिलता, आपने कसाई के पास जाना है, उसे बोलना सिर्फ ये रेड रेड वाला हिस्सा जो है ना वो निकाल के दे और चर्बी जो है वो साफ करके साइड पे कर दे। अब क्या भाई क्या करेंगे कि जब चिकन खा रहे होंगे बीच में उनको कोई मील रिप्लेस करना होगा, जैसे कोई चिकन खा के मतलब कि थोड़ा सा दिल होता है कि चेंज की तरफ आए, तो हम क्या करेंगे इसको एयर फ्राइड कर लेंगे या ग्रिल कर लेंगे, साथ वाइट राइस स्टीम कर लेंगे, बॉयल कर लेंगे और साथ बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अगला बारबेक्यू भी कर सकते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू कुक और कोई डिफिकल्टी नहीं, कटा कटा है ही है। साइज गेन करने के लिए बहुत अच्छा है और ये फुल लीन है, रेड। मैं ये प्रेफर करूंगा जब आपका शोल्डर्स के वर्कआउट हो और थाइस के वर्कआउट हो तो आप बीफ का मील जरूर बीच में हाई कैलोरी के लिए डाला करो। ठीक है ओके, अभी अंडे लेने हैं पहले। एग्स के सेशन में हम आ चुके हैं सेक्शन में, इधर क्या करना है जी, अभी हमने एग्स सेलेक्ट करने हैं, इधर काफ़ी डिफरेंट रेट के एग्स हैं, लेकिन हमने क्या अपनी जो बॉडी के लिए हमने खाने हैं ताकि जिसमें गैस ना हो, एक्सपायरी के पास ना हो, वो चीज़ चूज़ करनी है, जैसे
ऑर्गेनिक हो कोई, ये देखें एक एक धर्म का डिफरेंस है सिर्फ। खरीज एग्स इज द बेस्ट वन। मैंने कैफ भाई को ये कह रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि यही वाला लें, एक दो धर्म को बिल्कुल भी नहीं हमने देखना, क्योंकि ये एग्स हमने डेली बेसिस पे अपने ऊपर लगाने हैं, हेल्थ पे लगाने हैं, मॉर्निंग में खाने हैं, फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है ओट्स के बाद एग्स का, और डेली मिनिमम इनको 6-7 तो डेली खाने चाहिए कम से कम। क्या भाई वो एक डिफरेंट टॉपिक है, किसी को 8 चाहिए, किसी को 6 चाहिए, किसी को 2 चाहिए, कोई बिगिनर है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द बॉडी कंडीशन। और ये जो ऊपर कलर देख रहे हैं आप, कलर व्हाइट, काला हो, ब्राउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पत्ती में भी हो के हो जाते हैं ना, पत्ती में भी हो के भी मेरी गल सुनो, मैंने भूल जानी है, जब आप चिकन लें आपने फ्रोजन कोशिश करनी है नहीं लेना, इफ यू कैन अफोर्ड आपने फ्रोजन चिकन नहीं लेना, फ्रेश चिकन लेना है जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा और बॉडी के लिए भी अच्छा। फ्रोजन में 6 मंथ्स की एक्सपायरी होती है, स्किन उतारना, ये केमिकल लगा होता है, उससे बेटर है कि आप अगर अल्लाह खैर करे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फ्रेश ही चिकन खाइए, ठीक है। अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर समझ आती है यार, फिर समझ आती है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट फिर भी कोशिश करें कि आप फ्रेश चिकन ही लें जो कि मैक्सिमम 1 या 2 दिन थोड़ा खा लो अभी, ठीक है। फिर एग्जनल बाकी पूरी प्रोटीन तो पूरी करनी है क्या भाई, ठीक है, क्योंकि फिर बड़े भी तो होना है, नहीं तो बड़े कैसे। अभी ओट्स की तरफ जाएं, ओट्स लेते हैं, राइस लेते हैं, इंशाल्लाह चले आ जाए। ओट्स का सेशन आ गया और ये भी ओट्स हैं, ये मुझे मतलब ये पसंद है, ये बेस्ट है, दी बेस्ट है, ये पाकिस्तान में इंडिया में हर जगह पे क्वेकर्स के मिल जाते हैं, या फिर भी अच्छा ओट्स बहुत ज़रूरी हैं भाई। जो लोग भी बोलते हैं कि भाई ओट्स खाए नहीं जाते, वी आर ईटिंग फॉर पर्पस, ठीक है, हम अपने पर्पस के लिए खा रहे हैं, टेस्ट के लिए नहीं खा रहे। जो जितने भी चैंपियंस हैं उनका ब्रेकफास्ट क्या होता है, ओट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, सारा दिन बॉडी एनर्जी में रहती है, स्लो डाइजेस्ट होते हैं, सारा दिन एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, बॉडी बिल्डिंग का बेसिक जूस है ये, जरूरी है, इसको फॉलोड बाय एग वाइट्स और प्रोटीन शेक, ठीक है। और आपने 2 ले लिए, 2 मेरे लिए भी रख लें, ठीक है, मेरे भी खत्म हुए हैं। और इसके अंदर आपको फाइबर भी मिलता है जिससे कब्ज वगैरह नहीं होती, नहीं होती बहुत कॉन्स्टिपेशन जो है, जो जिन लोगों के मील्स में फाइबर कम होता है, ओट्स नहीं होते, उन्हीं को ही होती है। अगर कभी डाइटिंग भी कर रहे हो तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें या ब्राउन खुबज का इस्तेमाल कर लें, ब्राउन आटे का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे, उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप गंदम वाले फूल, गंदम वाला दलिया भी खा सकते हैं, बिल्कुल भाई जान, उससे भी बिल्कुल नहीं होगी, वॉश होता रहेगा इंशाल्लाह। होल ग्रेन दलिया खाना, होल ग्रेन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। क्या भाई कौन सी अच्छी, क्या भाई देखो राइस में मैंने, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस इस जगह लंबे लंबे मोटे मोटे वो ये टिल्डा राइस है, दी बेस्ट राइस है, बासमती है ना, हाँ टिल्डा बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन राइस है ये। और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये जरूर लेने हैं, इसमें कुछ लोग कंपनी कोई भी हो सकती है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ज्यादा अच्छी है। आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी डाइट अभी तक ली है हमने गेनिंग के लिए ले रहे हैं, मसल साइज के लिए ले रहे हैं, तो हम अभी ब्राउन में नहीं जा रहे, इसलिए अभी हम व्हाइट राइस ही यूज करेंगे। अभी मुझे भाई ब्रेड लेनी है, ओके डन, ब्रेड की तरफ राइस हो गया ना, अच्छा उसके बाद हमने फ्रूट्स लेने हैं, पहले हमने सारी प्रोटीन पूरी की, फिर उसके बाद हमने कार्ब पूरे किए हैं, ब्रेड बस लेनी रह गई है, फिर उसके बाद हमने फ्रूट्स लेने हैं। एक और सोर्स होता है प्रोटीन का जो कि फिश है, वो वाला सोर्स हम ज्यादातर उस टाइम यूज करते हैं जब हम कट डाउन फेज में हों, वैसे पसंद भी नहीं है, और कट डाउन फेज में हम फिश का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम गेनिंग सीजन में है ताकि हमारा मसल मास गेन हो, इसलिए हमने बीफ प्रोटीन और चिकन ब्रेस्ट प्रोटीन को ही इस्तेमाल किया है। चलो डन, अभी हम फ्रूट्स की तरफ चलते हैं, आ जाओ। में आ गया ऑलिव ऑयल, और ये जरूरी है, ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हमने कभी एयर फ्राई करना हो तो थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ता है, ये आपने फ्राइंग पैन पे करना हो, अब जब चीज मिल रही है तो आप उसी टाइम ये हमारे पास ऑफर में भी है और एक्स्ट्रा वर्जन में भी है, और ऑफर में भी लगा हुआ है, इसके साथ बड़े के साथ छोटा देखे फ्री है, फ्री है, ठीक है। उसमें ये है कि जब ये नहीं रहेगा फिर आप क्या करोगे, चीटिंग, जो भी घर में पड़ा होगा ऑयल, ये वाला ऑयल दिखा दो, जैसे देख रहे हो दूसरे देश कभी का घी पड़ा होता है, फिर हम वो यूज कर ले, इसलिए बेहतर है अपनी जो चीजें हैं वो मुकम्मल करके रखो, अच्छी चीज है, थोड़ी सी मिल रही है, और बॉडी बिल्डिंग जो है वो डिसिप्लिन से ही किया करें, जैसे कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे आपकी बॉडी भी वैसे ही, ये भी ज्यादा नहीं डालना, एक आधा स्पून काफी है भाई, आजकल तो एक स्प्रे मिल रहा है वो स्प्रे से करो और उतना ही काफी है, ठीक है, ये ज्यादा चलेगा, ठीक हो गया। चले अभी हम ब्रेड लेते हैं, दूध, ये दूध दूध भी पास आ गया, पहले दूध ले लेते हैं उसके बाद ब्रेड लेते हैं, वो जरूरी है रात को उठ उठ के दूध पीना। मुझे नजर आ गया स्मूदी मिक्स बेरीज का, मैं पोमेग्रेनेट पी रहा हूँ, और मिक्स बेरीज का स्मूदी मतलब यार ग्रोसरी का भूख लग जाए पी लो, नहीं उसको से पता क्या, मैंने मिक्स बेरीज जिसमें टोटल मिक्स हो ना उसकी स्मूदी आज तक पी भी कभी नहीं थी, देखते ही कमाल, जबरदस्त जबरदस्त मजा आ गया। और ये फुली प्योर जूस है, ऐड कुछ नहीं है इसमें, ये 100% फ्रेश जूस है, 100% कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, थोड़ा महंगा भी है, देखिए प्राइस नीचे, क्योंकि देखें महंगा है, यानी कि ये एक जो बोतल है पाकिस्तान 600 साथ ये 700 रुपीस पाकिस्तानी की है।
लेकिन कोई बात नहीं, रेड बॉल। ओके मोहसिन भाई, और जूस तो पी लिया ब्रो। मोहसिन भाई दही भी थोड़ा ले लेते हैं डाइजेशन के लिए। कौन सा आप यूज करते हैं? दही लो फैट ही ले लेता हूं, बेस्ट रहेगा ना, डाइजेशन के लिए बहुत काम करता है। इसमें गुड गट बैक्टीरिया भी होता है गाइस। आप जब भी कोई मील लो, लीन गेनिंग में, कटिंग में नहीं, मोस्टली ग्रीन गेनिंग में कोशिश करो कि ये थोड़ा सा इतना सा खा लिया करो। एक तो ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आपको लगे बीफ खा रहे हो डाइजेशन के लिए, क्योंकि अभी हम स्प्राइट वगैरह नहीं पी पाते, कभी कभी मना भी होती है ट्रेनर की तरफ से, तो आप थोड़ा सा योगर्ट में थोड़ा सा ब्लैक जीरा डाल लिया, लो फैट, जीरा डाल देंगे, यकीन करें लकड़ पत्थर जम हो जाएगा डाइजेशन के लिए, बहुत अच्छा है। अभी हम दूध लेंगे, दूध की बारी आ गई, दूध आपकी मर्जी है, लो फैट ले लें। ये वैसे अल रवाबी वाला सबसे अच्छा होता है मेरी नज़र में, ये अलमराई है। अल रवाबी किधर है वो? आगे आगे जाओ, आगे जाओ, ये अल रवाबी इज द बेस्ट वन, दिस वन, यस यस यस, ये लें, ये लें, बेस्ट है ये। आपका मेरे ख्याल कम से कम 5 दिन चल गाइस, ये फ्रेश मिल्क है। अगर आप इजी अफोर्ड नहीं इसको कर पाते हैं तो आप दूसरा दूध जो है वो भी ले सकते हो, डब्बों वाला दूध चाय से बनाने कोशिश करो, कि आप यही वाला लो, फ्रेश मिल्क लो जिसकी 2 से 3 दिन की एक्सपायरी हो, और आप थोड़ा ले लो, 4 लीटर ना लो, एक एक 2-2 लीटर ले लो। इंडिया में वैसे भी सस्ता है, सस्ता है बिल्कुल। ये देखें 21 का कितना है, ये भाई 4 लीटर है, 4 लीटर हाँ, पर 5 रुपए पर डे में पड़ेगा, 150 का आई थिंक लीटर। अगर एक लीटर पी लोगे ना यहाँ पे, अभी 150 रुपये पाकिस्तान में हो गए, 5 रुपये इधर पड़ेंगे। अब कैब भाई देखिए, जो ये चीज़ें इस्तेमाल करेगा वो उसकी डेवलपमेंट भी वैसी की, बोन्स के लिए विटामिन डी और कैल्शियम इसी में मिलेगा आपको। अब क्या करें, अलग से फिर मल्टी विटामिन का डब्बा खरीदने या फिर दूध भी उसमें डाल लो डाइट वो लेने के बाद भी, तो खाना तो जरूरी है ना। और आप कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग, यू आर ट्राइंग टू मेक योरसेल्फ डिफरेंट देन ऑल अदर पीपल, तो आपको ये खर्चा करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ आप मेक श्योर करो कि अगर आप जितना मर्जी साइकिलिंग करोगे आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है ना भाई, तो भी कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान है आपको। बहुत लोगों को लीवर किडनी की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए होती है कि प्रॉपर उनकी डाइट ही पूरी नहीं है। अब जैसे कोई चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ बॉडी को बिल्ड करने के लिए, और मेरे पास ना विटामिन डी है ना कैल्शियम है, प्रोटीन आप खरीद लें विकास भाई, लेकिन आपको ओरिजिनल जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें हैं दूध से मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सप्लीमेंट का मतलब होता है एडिशन विद योर डाइट। अगर आप सप्लीमेंट भी लेते हो तो आपको अपनी ओरिजिनल डाइट को नहीं छोड़ना होता, क्योंकि हम वेट लिफ्टिंग ज्यादा करें, आम बंदों से ज्यादा हट करें, तो फिर इसलिए हम एडिशनली एक सप्लीमेंट ऐड करें। वो भी तब ऐड करें जब इसका 100% आपको पता है, आप डाइट फॉलो कर रहे हो। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक बंदा कि मैं दूध नहीं पीता तो मैं क्या कैल्शियम की गोली खा लूं। भाई आपको वो भी लेना है, वो भी लेना है, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। 4 लीटर में 119 mg कैल्शियम मिल रहा है, और ओरिजिनल, नॉट फ्रॉम अ टैबलेट guys। हाई कैलोरीज के लिए अर्ली मॉर्निंग ओट्स में डालने के लिए ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं जब भी ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं उसमें वॉलनट्स डालता हूँ और थोड़ी सी किशमिश ज़रूर डालता हूँ। चलो मतलब इसमें क्या क्या लेना चाहिए इनको? वॉलनट्स और किशमिश मैं प्रेफर करता हूँ। अगर बादाम है वो रात को भिगो के भी आप खा सकते हैं, उससे भी मिलेगी, लेकिन बेसिकली ये हमें मतलब ये गुड सोर्स ऑफ गुड फैट है इसके अंदर, इसको भी आप ले सकते हो, और आपके ब्रेन के लिए ये बेस्ट रहती है चीज़ें। कटिंग में भी आई थिंक थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हो ये थोड़ा। देखें देखें कैब भाई, आपको वॉलनट्स जो है ना वो हर सूरत जो मुझे लगता है कि लेने ही चाहिए। हाई स्ट्रेंथ आती है, गुड फैट्स आता है, ओमेगा 3 आती है इससे, प्लस किशमिश से क्या कहते हैं, इसमें अगर मिक्स आपको मिल रहा है वो सबसे बेस्ट है, मिक्स भी ठीक है यार। ये तो मतलब ऐसी जेब में रख लेता है ना। अभी आप डाइट प्रॉपर स्ट्रेट चल रहे हो तो ओट्स में डालने के लिए पहले तो आप ये पकड़े ना वॉलनट्स, ठीक है, और एक किशमिश का भी पैकेट पकड़ ले, पकड़ लें इसको, और एक किशमिश का पैकेट पकड़ लें, ये वाला, ठीक है, ये आपका तकरीबन 1 हफ्ता तो आराम से निकाल दे। और ओट्स में इसके साथ आज एक बनाना ऐड कर लो, हनी के 2 स्कूप हो, हनी लेना है बस, हनी लेना, बढ़ावा देखते हैं। चलो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शुगर ओट्स में ना डालें, हनी डालें, नेचुरल शुगर है, हनी डालें जो कि नेचुरल शुगर है, और डाइजेस्ट भी जल्दी होती है और स्टोर भी नहीं होती है बॉडी में ना। चले हनी, और इसमें एज ए गुड शुगर के लिए डेट्स भी ले सकते हैं ना, खजूरें, डेट्स भी ले सकते हैं। जैसे ट्रेनिंग के वक्त कई लोगों की शुगर डाउन हो जाती है, वो ट्रेनिंग में डेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन में, कटिंग सीजन में नहीं करना। आज इधर ये दिखाओ जी, तरह के आओ जरा भाई, सारा दिखाना, ये वाला रैक, ये डिफरेंट काइंड ऑफ हनी है, कुछ सुडानी होता है, कुछ पाकिस्तानी है, कुछ है, तो आपने वो देखना जो आपकी अफोर्डेबिलिटी के लिए हिसाब से, आपकी सैलरी के लिए। मैं तो यही ले काम खत्म करूं,
आप उसकी प्राइस देखो ना क्या है, 78 बस आपको लग रहा है आपका महीना डेढ़ महीना से चल जाएगा, तो एक ही दफा ले लो। आई थिंक ये 2000 ग्राम है, जब हमारी चीज खत्म हो जाती है ना एक दफा, फिर हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आपने अपने बजट को माइंड में रहना कि यार ये महीने का जो है ना मेरा आधा किलो होने लगना है मुझे वो लेना। अगर आप एक दफा ग्रोसरी नहीं करेंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप डिसिप्लिन से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकोगे। कभी बादाम खत्म हो जाएंगे, कभी किशमिश खत्म हो जाएगी, नहीं। आप माइंड में देख के चलोगे यार ये मेरा पूरा महीने का जो है ना तो ग्रोसरी पूरी है, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि आप डिसिप्लिन से बॉडी बिल्डिंग करें, डिसिप्लिन में रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। बॉडी बनाने के लिए ये 70-80% ये चीजें हैं। हाँ, और ये एक ही दफा करनी है एक महीने में, हर रोज थोड़ी है कि आपके को यार बिल कितना बन जाएगा, पर ये जरूरी है। इसमें बहुत सी चीजें जो आपकी जैसे ये एक दो मन चलेगा, हाँ कुछ चीजें ये अंडे आपके 4-5 दिन चलेंगे, और दूसरे ओट्स हैं आपके ये भी तकरीबन हफ्ता चल जाएगा। मेन मकसद क्या है भाई, मेन मकसद मैं आपको सबको बताऊं कि ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं ना हमारी बॉडी बिल्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वीकली या मंथली इन चीज़ों को बाय करके रख लें, आपकी बॉडी बिल्डिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। यू विल नॉट गो फॉर हेयर एंड देयर चीट मील्स के आप रात को क्या कहूँ सुबह क्या कहूँ, आपको पता है यार ये मेरी ग्रॉसरी है और इसी में मैंने रहना, स्टिक रहना है। अब आपको गेनिंग करनी है या आपको कटिंग करनी है, यू विल डू इट इजीली। एक चीट मील जो आपके 5-6 दिन की मेहनत है उसको जब खराब कर देगा, उससे बेहतर नहीं आपकी डाइट आपके पास मौजूद हो। और जब आपकी डाइट मौजूद होगी, मतलब भूख लगी, हनी का चमचा ले लिया या अंडे बॉईल कर लिए या ड्राई फ्रूट खा लिए थोड़ा, या वो येलो बीज में से निकाल के उसका ऑमलेट बनवा लिया और ब्राउन ब्रेड में लगा लिया, तो आपके पास कम से कम अपनी डाइट में से ही चीजें उठा रहे हो ना। गलत डाइट आपके दिल को जो है ना बिल्कुल भी वो नहीं होगी कि यार मैंने कुछ गलत खाया है, तो इस तरह ये खा के कम से कम आपको पता होगा यार दिस इज द राइट मील विच आई नीड टू टेक। ठीक है ना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉरगेट ना हो जाए, शकरकंदी लेनी है जिसे आप गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पोटैटो बोलते हो। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना उन्होंने जिम जाना तो वो अक्सर पूछते हैं क्या खा के मौसम भाई जिम जाएं, क्या भाई क्या खा के जिम जाएं। ये देखें, ये शकरकंदी होती है, कुछ लोग घरों में बॉयल भी करके इसको खा के, इसमें से छिलका उतार के इसको काट के हल्का सा ऊपर डाल के नमक शमक वो भी खा के लेके जा सकते हैं, और जिनके घर वो पड़ा हुआ है ओवन में भी कुछ लोग कर लेते हैं इसको, ठीक है बेक। उसके बाद एक तो शकरकंदी इज दी बेस्ट वन कार्बोहाइड्रेट करने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ये पोटैटोज, सस्ते वाले, ठीक है, ये पोटैटोज हैं आलू, जिसको भी बॉयल भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, ओवन में भी और पानी में सिंपल बॉयल भी कर सकते हो। ये दो चीज़ें लोड करके ना आधा किलो, कम से कम आधा किलो देख लें, आधा किलो या शकरकंदी हो जाए या आलू हो जाए उसको लोड करके। देख मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ किसके अंदर पानी ज्यादा। अच्छा, मैं कोकोनट का पानी, मैं कोई नई चीज दसन लग गया नहीं, ठीक है ये खाना है। और फिर जिम जब जा रहे हो तो एक बनाना खा लें, प्योर पोटाशियम भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएंगे, शुगर थोड़ी बहुत शक्करकंदी से मिल जाएगी, और आई लव यू हो जाएगा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, बहुत मजा आ जाएगा। और हम पोटैटो लेने लगे हैं, ये इसने जो कोकोनट लिया है ये इसने हटके लिया, ये बॉडी बिल्डिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, चस्के के लिए लिया। अच्छा होता है आपके ओवरऑल चीजों के लिए ना, कभी कभी ले लेना चाहिए। अच्छा, अभी एक और चीज मैंने यहाँ पे देखी थी जो मुझे जरूरी चाहिए, हम सस्ते पोटैटो लेंगे, स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं, बट जरूरत नहीं है अभी, वो मेरा पेट खराब करते हैं, मुझे पर्सनल इशू है उनसे, जिसको जो चीज सूट करती है बेक पोटैटो स्वीट पोटैटो। लेकिन ये वो चीजें हैं जो हमें जिम जाने से पहले लेनी जरूरी चाहिए। अब जैसे मौसम में मुझे शिमला मिर्च है, मुझे वो पेट दर्द करती है, मैं नहीं लेता, ये नहीं लेता। हर इंसान को उसकी बॉडी का पता होता है जो चीज को तंग करती है। नहीं, कुछ लोगों को दूध नहीं पचता तो जरूरी नहीं कि पियो, उसकी जगह प्रोटीन ऐड कर लो, क्योंकि वो लैक्टोज प्रॉब्लम होती है उनको, तो बहुत दूध नहीं पचेगा उनको जितना मर्जी पियोगे। बिल्कुल ठीक, इसलिए चीजों को उसमें ये है कि जो चीजें मेन है ना सारी हम बता देते हैं, उसमें से जो उसको समय लगता है कि यार मेरी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है उसको वो स्किप भी कर सकता है, बट ऑलमोस्ट ये चीजें जरूरी चाहिए थी। एवोकाडो देखिए, वो सामने पड़ा हुआ है, मैं आपको एवोकाडो दिखाता हूं, आना जरा। सबसे बेस्ट है ये गुड फैट, गुड फैट्स ब्रो, यू नीड इट बोथ इन सीजन ऑफ सीजन जिस तरह भी है, ठीक है। ये एवोकाडो पाकिस्तान में मिलते हैं कैरीफोर से, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको अफोर्ड करके थोड़ा सा ले लें, और अगर जो अब्रॉड रहते हैं उनको बहुत इजीली मिल जाता है। डेली का एक भी काफी रहेगा क्या? बहुत है, एक हो दो खाओ, इसका मिल्क शेक बना के समथिंग वो भी कर सकते हो, और इसको बेक करके भी आप एज ए सैलेड के तौर पर यूज कर सकते हो। बिल्कुल यार, ये वो चीजें हैं जो ये जो हम अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं और हम कहते हैं यार ये कोई अच्छा स्टीरॉयड ले रहा है, ये कोई अच्छी चीजें ले रहा है, वो पूरे प्रॉपर जो है वो मिनरल्स विटामिन बॉडी को देते हैं, हर चीज को बैलेंस करके ले रहे जैसे मौसम में देखे साइकिलिंग में विटामिन डी ना हो, और उसके अलावा जिसको हल्दी बोलते हो वो थोड़ी बहुत हर चीज होना जरूरी है। भाई फ्रूट्स के बारे में कोई बता दें, आ जाएं फ्रूट्स लेते हैं, आ जाओ फ्रूट्स इधर है, देखें फ्रूट्स यहाँ पे है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो आपको अनार लेना है, आपको एवोकाडो भी ले सकते हो, और डाइटिंग में कौन सा फ्रूट ले सकते हो? डाइटिंग में आप मेरी जान अभी बनाना वो उस साइड पे है,
आपको जो भी सीजनल फ्रूट अच्छा लग रहा हो, जैसे कि ये एक दो ये भी खा सकते हो। अच्छा गाइस, ये पियर जो है ये एंटी ऑक्सीडेंट भी है, ये लाजमी एक दो अगर आप ऑफ सीजन में खाया करो, अगर आप स्टफ कर रहे हो फिर तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप ऑफ सीजन में खा सकते हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे तो बहुत बुरा लगा। जाहिद आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और गेनिंग में आप बनाना खा सकते हो। अच्छा क्या रह गया कैफ? उसमें आई थिंक चीजें तकरीबन जो बेसिक चीजें हैं वो हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकफास्ट को पूरा करने के लिए ब्रेड भी रख लेते हैं, किसी दिन लड़के ओट्स खा लेंगे, किसी दिन ब्रेड ले लेते हैं। हम इनको मोटा मोटा बता भी देते हैं जो हमने लिया है अपने जो प्लान है। पहले प्रोटीन के सोर्स में हमने क्या क्या लिया? एग लिए हैं, एग लिया, चिकन लिया, चिकन ब्रेस्ट लिया और बीफ स्टेक लिए। ठीक है, जिसको कीमा भी हम कर सकते हैं। और प्रोटीन के लिए हमने ये दूध भी लिया और हमको इसमें से भी थोड़ा सा प्रोटीन जो है वो मिल जाता है, बहुत थोड़ा, बेसिकली ये डाइजेशन के लिए लिया। उसके बाद कार्ब सोर्स पूरे करने के लिए हमने पोटैटो लिए हैं, उसके अलावा हमने राइस लिए हैं, उसके अलावा हमने मेरे प्यारे ओट्स, भाई ओट्स लिए हैं। उसके बाद अगर अगर शकरकंदी चाहिए, जिसे स्वीट पोटैटो बोलते हैं, तो वो भी ले सकते हैं, पर वो इसने नहीं लिए। ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और अभी ब्रेड लेने जा रहे हैं वो भी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं ताकि गुड फैट भी मिले और हमें घी की तरह यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी ना हमें मिले। ठीक हो गया, गुड शुगर के लिए, क्योंकि शुगर अपनी बॉडी के अंदर होना जरूरी है, उसके लिए हमने ये हनी लिया है। आप डेट्स ले सकते हो, उसके अलावा जो है आप आई थिंक ड्राई फ्रूट वगैरह भी, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। देखो कैफ चीजें बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, पर अभी हम एक ऐसी की है आपको बेसिक लेवल पे, यही आप चीजें जरूरी हैं। अब जैसे ये आप दिखाओ जरा इनको, ये मेलन, ये भी कीमे के साथ आप खाओ, ये प्रोटीन सोर्स है। इसमें भी बहुत मेलन में प्रोटीन है, वो गर्मी उठाता है, वो फिर अलग एक टॉपिक हो जाएगा। ये भी बहुत लड़के, जैसे कि मैं जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करता था तो मैं राइस और जब कीमा खाता था ना बीफ का, तो मैं साथ मेलन जरूर खाता था। दालें बहुत मिस की हैं, सोया ले सकते प्रोटीन के लिए, दाल है, वो बहुत सी चीजें। ये बेसिक है नॉन वेज लोगों के लिए, जो लोग इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह वेज के लिए भी हम लेके आएंगे, वेज के लिए भी कल ही बना लेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। ठीक है, ताकि सब के किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बेसिक चीजें हैं गाइस, आपने इनको फॉलो करेंगे आपके लिए बहुत बेस्ट है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। मैं फिर फटाफट एक ना जल्दी से बताता हूँ, ओट्स वगैरह जो लेने कार्बोहाइड्रेट से नाश्ते में लेने हैं, जो लंच में लेना हमने चिकन ब्रेस्ट लेना है राइस के साथ जो हमने लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जिम जाने से पहले पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज लेने हैं, जिम से जाने के बाद अगेन आपने वो बीफ स्टेक ले सकते हो, और कभी चिकन ब्रेस्ट से भी ग्रिल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, राइस के साथ ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड भी। रोटी का भी बता दें, रोटी भी पूछते हैं, रोटी नहीं खानी हमने। देखो रोटी बेसिकली जो है वो आप खा भी लेंगे तो कोई इतनी बिग प्रॉब्लम नहीं है, अवॉइड करो पराठों से, होल ग्रेन रोटी। और मैं कहता हूँ रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो उसको मॉर्निंग में ट्रेनिंग से पहले रखो, रात सोते हुए के मील में आप कोशिश करें ना लें। ठीक है, राइस वगैरह खा के सो, राइस वगैरह ना लें। जब भी खाना खाएं थोड़ी सी कटोरी में दही रख लिया करें डाइजेशन हेल्प के लिए। वो सब चीजें हमने खरीद ली है। ओट्स में हम हनी भी डाल सकते हैं, ठीक है, ओट्स वॉलनट्स भी ले लिए हैं, बनाना भी डाल सकते हैं। ये एक प्रॉपर डे हमारा जो है ना बॉडी बिल्डिंग का कंप्लीट हो जाएगा जब आप इसको फॉलो करेंगे। ये लीन गेनिंग है, ये जेन में दिल भी खुश होगा और सब न्यूट्रिशन भी पूरे होंगे, ट्रेनिंग करने में भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना गाइस, और कुछ चीज मिस हो जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, पूछ लेना। हम इंशा आप लोगों के लिए बहुत मजे मजे की वीडियो और आती रहेंगी इंशा। डबल बाइसेप का पोज है मोहसिन भाई मेरा तो आजकल, अगर ऐसे बाइसेप चाहिए ये खाओ, और अगर ऐसे चाहिए तो ओके गाइस, अगर मोहसिन भाई थैंक यू सो मच, आप बाय, वेलकम, थैंक यू। मोहसिन भाई को बोल दीजिएगा आप भी लव यू, और हमारे जाहिद भाई को भी बोल दीजिएगा जो आपके ये वीडियो बना रहे हैं। जाहिद तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया जाहिद भाई, लव यू। अब देखूंगा अच्छी पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई। आ रहे हो? हाँ सर।